नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। 2% के आसपास आज स्टॉक में गिरावट हुई है और लगातार अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते में शुरुआत से ही गिरावट बनी रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहली चीज कि लगातार स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, कहाँ तक गिरावट हो सकती है, एंड दूसरी क्या आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, कंपनी होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं, छोटा स्टॉक है, अक्सर लोगों की नजर रहती है कि ऊर्जा ग्लोबल में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, उनके लिए भी यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज होने वाला है कि खरीदारी करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है ऊर्जा ग्लोबल में। देखिए, सबसे पहली चीज अगर आप बात करें तो गिरावट क्यों हो रही है, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो ऊर्जा ग्लोबल एक अच्छी कंपनी है, सोलर एनर्जी में काम करते हैं, रिन्यूएबल्स में काम करते हैं, और जब भी मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो किया है, आई हैव ऑलवेज सेड कि कंपनी अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के अगर आप काम करते हो तो इस कंपनी में आपको काफी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ऊर्जा ग्लोबल एक ठीक ठाक छोटी कंपनी है, बट एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है। पिछले 2 सालों में अगर आप बात करते हैं तो ऊर्जा ग्लोबल ने काफी कुछ अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बात कर लो आप, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर बात कर लो आप, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक बात कर लो आप, तो काफी कुछ यहाँ पर अचीव किया है ऊर्जा ग्लोबल ने पिछले 2 सालों में। और यही बड़ा कारण है कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की नजर भी ऊर्जा ग्लोबल पर लगातार रहती है। मैंने आपको कई सारी खबरें दिखाई है, खबरों में बना रहता है ऊर्जा ग्लोबल लगातार। अभी आप देखोगे तो इस हफ्ते की शुरुआत से गिरावट हुई। सबसे पहले बात करते हैं गिरावट की। स्टॉक ने हमारा पहला टारगेट पूरा किया, आप जानते हैं कि मैंने आपका पहला टारगेट रखा था 18.6 के आसपास का, एंड ये टारगेट आपका पूरा हुआ। लगातार दूसरे दिन भी स्टॉक आपका हालांकि गिरावट में रहा है, बट अगर आपने इंट्राडे में भी ये टारगेट लगाया था तो आपका ये टारगेट पूरा हुआ है ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमारा पहला टारगेट पूरा हुआ, दूसरा जो टारगेट था अपना वो 10.50 रुपए के आसपास का था। स्टॉक में ब्रेकआउट था, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, यहाँ पर हमारा लगभग दूसरा टारगेट 10.55 रुपए के आसपास का, और तो ये पूरा नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली। रीजन क्या रहा है उसकी बात करते हैं, और रीजन क्या रहा है गिरावट के पीछे का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे गिरावट हो क्यों रही है, तो गिरावट में अगर आप देखोगे तो यार ऊर्जा ग्लोबल एकमात्र ऐसा स्टॉक नहीं जहां पर गिरावट है। गिरावट में इस समय पर जेबी पावर है, ऊर्जा ग्लोबल है, सुजलॉन है, आर पावर है, टाटा पावर है, बड़ी कंपनीज भी है, छोटी कंपनीज भी है, तो सभी में गिरावट क्यों है। ऐसा क्या हो गया बाजार में कि बहुत सारे स्टॉक्स में एक साथ गिरावट होना स्टार्ट हुई, और स्पेसिफिकली पावर सेक्टर में। अब अगर बाजार को अगर आप देखते हो तो निफ्टी 50 में आज गिरावट है, एंड मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस में गिरावट है जो अब तक बहुत अच्छा भाग रहे थे। ठीक है, छोटे स्टॉक्स में गिरावट होती है या छोटे स्टॉक में जो रैली आती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती है, बहुत थोड़े समय के लिए आती है, जो लोग पकड़ लेते हैं वो पकड़ लेते हैं, अदरवाइज ये निकल जाता है हाथ से। उसके पीछे का कारण क्या रहता है कि एक तो जब मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा होता है तो छोटे स्टॉक्स वेट करते हैं कि मूव करना है या नहीं करना है। जब मार्केट अपने एंड पर पहुंचने वाला होता है तो ये 2-3 दिनों के लिए मूव करते हैं, जब मार्केट गिरावट पे आ जाता है गिरावट में ये पूरा साथ देते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक छोटे स्टॉक्स गिरावट में पूरा भरपूर साथ देते हैं मार्केट का। इस समय मार्केट में गिरावट हो रही है। मार्केट में गिरावट के पीछे का बड़ा कारण सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मार्केट को बहुत सारे लोगों ने जज किया कि मार्केट इज ओवरबॉट जोन, एंड मार्केट को लेकर के क्रैश की बात भी की गई यहाँ पर कि मार्केट में क्रैश हो सकता है, इसीलिए अपना पैसा निकाल लेना चाहिए लोगों को, इन्वेस्टमेंट अगर आप इस स्टॉक में रखते हो तो वो बर्बाद हो सकती है, लूट सकते हो आप, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें लास्ट वीक में हुई थी। और उसके बाद इस हफ्ते जब बाजार खुला हमारा तो बाजार ऑलरेडी काफी नेगेटिव खुला था, हालांकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर आप देखते हो तो जो 2 कैंडल्स हमारी बनी थी वो ऑलरेडी बोलिंजर बैंड के बाहर थी, और यहाँ से करेक्शन आना भी तय था, थोड़ा बहुत करेक्शन आना तय था यार, कि मतलब थोड़ा बहुत यहाँ तक गिरावट हो सकती है आपकी 8.10 रुपए, 8.05 रुपए के आसपास तक की गिरावट तो होनी थी आपके सामने, बट इतनी बड़ी गिरावट होने की संभावना किसी को भी नहीं थी, ना मार्केट को लेकर के ना ही ऊर्जा ग्लोबल को लेकर के। बट क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई, मार्केट इन्फ्लुएंस्ड गिरावट आपकी ऊर्जा ग्लोबल में देखने को मिली है। तो इस समय पे अगर आप बात करें कि सपोर्ट कहां पर है तो भैया सपोर्ट आपका यहां पर आ चुका है 7.30 रुपए के आसपास का, एक सपोर्ट आपका यहां पर भी है, लेट्स सी कि क्या सस्टेन करता है या नहीं, बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म बहुत हल्का सपोर्ट है तो यहां पर सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी कम है। 7.30 रुपए के आसपास स्टॉक आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आपको करना क्या है, ठीक है, ये तो बात हुई कि भैया गिरावट हो रही है, गिरावट के पीछे का कारण है मार्केट, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी अभी भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, कंपनी में जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं है, तो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब हट चुकी हैं, और जो पावर क्राइसिस था वो अभी भी है, तो मौका है आपके पास अभी भी। ऐसा नहीं कि मौका चला गया है या ऐसा कुछ कि आपको निकल देना चाहिए, निकलना नहीं है अभी भी आपको भी, क्योंकि पावर क्राइसिस अभी भी इंडिया में प्रिवेल करता है। साफ तौर पर यहाँ पर अगर आप ऊर्जा ग्लोबल में बाइंग कर चुके हैं या रखा है आपने इसको पोर्टफोलियो में, तो
तो साफ तौर पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट तो मिलने वाला है। और तय कर लीजिए कि निकलते हो अगर आप तो काफी बड़ा लॉस करके निकल सकते हो। वीकली में अगर आप बात करो तो वीकली में भी आपका जो सपोर्ट है वो वहीं पर है, 7 रुपए 30 पैसे के आसपास का। जो गैप है ना वो गैप इस बार भी रह गया आपका और गैप फिल नहीं हुआ। या जब भी स्टॉक आपका गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो ये जो गैप रह जाता है ना बीच में, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो गैप अप ओपनिंग हुआ और ये गैप फिल करता है स्टॉक आपका वापस आकर के। तो वही चीज यहाँ पर होने वाली है। बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है बट यस थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट और उम्मीद करनी चाहिए। बाकी यहाँ से अगर आपका बाउंस बैक दिखाता है तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहली बात। तो कहां तक गिरावट होगी भैया मार्केट बताएगा कि कहां तक गिरावट होगी। और मार्केट को आपको पता है कि मार्केट में कोई क्रैश नहीं आया है, मार्केट में करेक्शन है थोड़ा सा। अभी तक लोगों को समझ में आ चुका है कि ये क्रैश नहीं है करेक्शन है। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस भी दिखाई दे रही है। जहां पिछले 2 से 3 दिन अगर आप देखें तो मार्केट लाल निशान में ही खुलता है और लाल निशान में ही बंद होता है, वहीं पर आज बाइंग साइड बहुत अच्छी थी, डिमांड काफी अच्छी थी मार्केट में। हालांकि डिमांड अच्छी थी उसके बावजूद भी बाजार लाल निशान के बाद बंद हुआ। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो जहां ओपन हुआ 18230 और उसके बहुत नीचे क्लोजिंग नहीं आई है आपके सामने, 18125 18100 के आसपास का सपोर्ट अभी भी है। तो जब तक मार्केट में 18 के ऊपर आप बन रहा है, 17800 के ऊपर का सपोर्ट स्ट्रांग है यहाँ पे मार्केट को लेकर के, जब तक रेंज में है तब तक खुशखबरी है, तब तक बाजार से निकलने की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी आपको। चाहे ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे टाटा पावर हो, चाहे अडानी का स्टॉक हो, चाहे मैनिपुलेटिव कोई भी स्टॉक हो, आपके हाथ में निकलना नहीं है, ठीक है। ऊर्जा ग्लोबल में साफ तौर पर मार्केट में कुछ गिरावट हो तो करना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज डिलीवरी की बात करो तो डिलीवरी में अभी भी 64% 64% 67% उससे पहले 61% डिलीवरी 60% से ज्यादा की अभी भी उठाई जा रही है। साफ तौर पर ऊर्जा ग्लोबल में एक अच्छी रैली की तैयारी की शुरुआत होने वाली है। तो अगर आपने खरीदारी अभी तक नहीं की है तो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक आएगा, एक हफ्ता भागेगा, अगले हफ्ते में थोड़ी करेक्शन होगी, 2 हफ्ता न्यूट्रल रहेगा, तीसरे हफ्ते फिर भागेगा, ठीक है। तो इस तरह की ही रैली ऊर्जा ग्लोबल में देखने को मिलेगी आपको। बहुत तेज रैली, कोई बहुत अच्छी रैली यहाँ पर आप देख सकते हो। जो मैंने बोला स्टॉक 2 हफ्ते न्यूट्रल रहा, 1 हफ्ते भागा, फिर 3 हफ्ते न्यूट्रल रहा, फिर 1 हफ्ते भागा, फिर 3-4 हफ्ते न्यूट्रल और गिरावट। ये गिरावट जब मार्केट गिरावट में आया था तब हुई थी, फिर 1 हफ्ते की रैली और न्यूट्रलिटी में रहा, अब 1 हफ्ते भागा है, 2 हफ्ते न्यूट्रल रहेगा हमारा, उसके बाद दोबारा से ऊपर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक अगर आप रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तभी इस स्टॉक से पैसा बनेगा। मेरा टाइम होराइजन है ऊर्जा ग्लोबल के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल कम से कम रखिए। रिन्यूअल सेक्टर का स्टॉक है इस समय पर, जो इंडिया में ग्रोथ है रिन्यूअल सेक्टर की वो less than 3% है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो अगर 3% से कम की यहाँ पर ग्रोथ रेट रिन्यूअल्स की और डिमांड इतनी हाई है तो यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल 5 साल 10 साल अगर आप रखते हो तो ये आपको करोड़पति वाला रिटर्न दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बरकरार रखो अपनी खरीदारी को, रखो इसे अपने पोर्टफोलियो में। चार्ट की बात करें तो मैग्डी अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में है और हिस्टोग्राम अपर साइड है, यानी कि डिमांड आपने देखी, डिलीवरी आपने देखी, साफ तौर पर जो अब हिस्टोग्राम है आपके वो बताता है कि बायर्स का कब्जा है यहाँ पर। आरएसआई अभी भी 60 प्लस है, साफ तौर पर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। 7:30 के आसपास का सपोर्ट अच्छा है, पहला टारगेट आपका 8:60 ही मिलेगा आपको और दूसरा टारगेट अगर आप बात करें तो 10:55 का रखना है। ओवरऑल खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी आपको यहाँ पे। बाजार में हालात थोड़े से वोलेटाइल जरूर है बट दैट डजंट मीन कि आप बेचना स्टार्ट करो। FIIs की बात करें तो लगातार यहां से बिकवाली आई है और वही बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार जो है वो लगातार हिलता हुआ दिखाई देता है। ग्लोबल संकेत इस समय पर थोड़े से नेगेटिव है और उसी का नतीजा है कि FIIs थोड़े से डरे हुए हैं बाजार को लेकर के। घबराना नहीं है आपको, रिटेल इन्वेस्टर बादशाह है इस समय पे और उसी का भरोसा लेकर के खरीदारी करो। चार्ट अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी, होल्ड कीजिए अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो, निकलने की गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी से स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद कर खत्म करते हैं, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी न मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, या कोई और स्टॉक में फंसे हुए हो तो आप पूछ सकते हो, प्लीज मेंशन योर प्राइस ऑल्सो, वहां से जवाब देना थोड़ा सा आसान हो